और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस हैदराबाद ऐसे चार बनाए हैं। 40,800 करोड़ की इंफ्रा योजनाओं की घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा और राजमार्ग, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अमृत मिशन लाया, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 3.30 करोड़ मूल्य के 2 पार्क विकसित किए गए, जीएचएमसी की लिए क्रेडिट रेटिंग की पूरी करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया। सबसे बड़ी बात हैदराबाद शहर के गरीबों के लिए, अभी अभी कोरोना काल के बाद मोदी जी पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना लेकर आए। ये पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना गरीब रेहड़ी वालों के लिए, और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि सबसे ज्यादा पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना का फायदा अगर किसी एक राज्य को मिला है तो तेलंगाना को मिला है। 3 लाख लोगों को पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लोन देने का काम किया गया है, और सबसे ज्यादा किसी बड़े शहर में दिया गया है तो हैदराबाद को दिया गया है। 30,000 से ज्यादा पीएम स्ट्रीट वेंडर के लोन दिए गए हैं, लगभग और 72 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना मेट्रो की लागू हो रही है। इसके अलावे हैदराबाद के लिए पहले जी का आशीर्वाद है ही है, तो हैदराबाद अपने आप आईटी हब बनेगा, इसको मुझे भरोसा है। मेरी बात समाप्त हुई, आप एक एक कर सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ से कोई जो नाम बोलेंगे उसको कर ले, जल्दबाज मत करिए, सब सवालों को मैं जवाब दूंगा। सर, अगर भाजपा को वोट बेच रही है, रेलवे को बेच रही है, हर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बेचने के कगार पर लगी हुई है, चलिए साहब सबको जिसका जवाब मालूम है, भारतीय जनता पार्टी कोई एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता में आने वाली पार्टी नहीं है। हमारा इस देश के 17 से ज्यादा राज्यों में शासन है, केंद्र में कई बार हम शासन में रहे हैं, हमें देश की जनता जानती है और बार बार वोट भी देती है। जो ये आरोप लगाते हैं उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने क्या करा है। सर, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? भाई मैं जब कार्रवाई करता हूँ तब तो हाई तोबा करते हैं, पार्लियामेंट में देखा नहीं आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं, और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। जब बाढ़ आई है कहीं कहीं भी होने दो, कुछ सेंटर की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। बहुत समय से केसीआर सचिवालय नहीं गई है, इसलिए इनको आंकड़े मालूम नहीं है, मैं बता देता हूँ। 224.50 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एसडीआरएफ का हमने दे दिया था, और 3 नवंबर को 224.50 करोड़ टोटल सिर्फ हैदराबाद के लिए 500 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली हमने दिया है, जरा वो कल जांच कर दे, और रेगुलरली सचिवालय में जाए तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। कर्नाटक के बाद तेलंगाना पोटेंशियल स्टेट है सत्ता में आने के लिए? नहीं, बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है, और अगले चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है, और इसके लिए हमारा जो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है, जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं, तो ये यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर। दूसरे सवाल, करप्शन एलिगेशंस आप लगा रहे, लेकिन उसका उसका कालेश्वरम या मिशन वगैरह इसके ऊपर सेंट्रल एजेंसी से क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा? चलिए, आपका सुझाव आ गया है। चुनाव प्रचार आज रोड शो की शुरुआत की है, वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर आप गए हैं, भाग्य नगर नाम बदलने की मांग बीजेपी की ओर से उठाई जा रही है, आपका भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाना, वहां से पूजन करके शुरुआत करना, क्या ये उसी बात को रिफ्लेक्ट करता है कि नाम देखिए, मैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर के अंदर मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा के
माँ के चरणों में रखने के लिए गया हूँ, इसका कोई गलत अर्थ नहीं था। लेकिन भाग्यनगर आप चाहते ना बदला जाए? मैंने जो कहना था वो कह दिया ना भैया, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए गया था, इसके और कोई निहिता निकालने की जरूरत नहीं। पिछले साल कोई चुनाव को हम छोटा नहीं मानते हैं, कई चुनावों के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हिस्सा लिया है और हमारे लिए जनता जहां मैंडेट दे रही है वहां हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे डेवलपमेंटल मैन के एजेंडा का और मोदी जी के विजन का प्रचार करना ये हमारा अधिकार है और हम हैदराबाद के चुनाव को छोटा नहीं मानते। जो लोग गली का चुनाव मानते हैं वो कम से कम गली साफ करना भूल गए हैं, इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। गली साफ कर दी होती तो उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होती। क्या आगे KCR is planning to hold a conclave in Hyderabad in December 2nd week against the public sector enterprises privatization. देखिए KCR हमेशा ऐसे काम ऐसा करने का बहुत प्रयास किया। 19 में भी आपको याद होगा एक विमान किराए पर रखा था और लगभग 16 राज्य में गए थे, सीटें आधी हो गई थी। ऐसी कॉन्फ्रेंस ममता जी ने भी करी थी वहां पर, याद होगा कलकत्ता में, सीटें उनकी भी आधी हो गई। अब आधी बची है, इसका क्या होगा? चलिए सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। లేదు అక్కడే ఉండాలి. KCR is planning to hold a conclave in Hyderabad in December 2nd week against the public sector enterprises privatization. देखिए KCR हमेशा ऐसे काम ऐसा करने का बहुत प्रयास किया। 19 में भी आपको याद होगा एक विमान किराए पर रखा था और लगभग 16 राज्य में गए थे, सीटें आधी हो गई थी। ऐसी कॉन्फ्रेंस ममता जी ने भी करी थी वहां पर, याद होगा कलकत्ता में, सीटें उनकी भी आधी हो गई। अब आधी बची